हेलो एवरीवन हमने अपनी लास्ट वीडियो में अंगरखा कुर्ती की ड्राफ्टिंग सीखी थी आज हम उसी ड्राफ्टिंग पे अपना अंगरखा कुर्ती के लिए ही ब्राउन पेपर पे पैटर्न मेकिंग करना सीखेंगे ताकि आप उस पैटर्न मेकिंग को इस ब्राउन पेपर की कटिंग को डायरेक्ट कपड़े पर अप्लाई करके अपने लिए एक सुंदर सी अंगरखा कुर्ती बना सकें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी अंगरखा कुर्ती के लिए पैटर्न मेकिंग तो हम अपनी सेम ही मेजरमेंट रखेंगे जो हमने अपना लास्ट वीडियो में रखा था उसके लिए हम वही अब फॉलो करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम प्लेन कुर्ती की ही ड्राफ्टिंग करेंगे देन हम एक और प्लेन कुर्ती की ड्राफ्टिंग करके उस पर अंगरखा की कटिंग करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से अंगरखा कुर्ती की पैटर्न मेकिंग करी जाती है किस तरीके से उसको कपड़े पर कटिंग किया जाता है तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी प्लेन कुर्ती की पैटर्न मेकिंग करेंगे देन उसके बाद हम अंगरखा की करेंगे तो सबसे पहले हम मैं अपना वही मेजरमेंट ले रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में लिया था तो उसमें हमने एक बैक लिया था सेवन इंचिस डाउन गए थे हम सेवन इंचेस हाफ इंच हमने हमने शोल्डर डाउन किया था नेक लाइन से नेक लाइन ली थी हमने थ्री इंचेस पे इसको मैच करेंगे और हमने जो अपने लेवल्स के निशान लगाने हैं वो लगाने हैं सेवन फोर्टीन एंड ट्वेंटी वन आप अब इन लेवल्स के लेवल्स के निशानों को अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं अगर किसी की हाइट ज़्यादा है और अगर किसी की हाइट कम है अगर हाइट ज़्यादा है तो ये सेवन की बजाय सेवन थर्टी पर आ सकता है फोटीन की बजाय फिफ्टीन पर आ सकता है एंड ट्वेंटी वन की बजाय ट्वेंटी टू पर भी आ सकता है देन हम उसके बाद सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे देन उसके बाद हम अपना राउंड बस्ट का निशान लगाएंगे नाइन पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव एंड टेन पॉइंट फाइव इनको मैच करेंगे एक्रॉस पैक के लिए हम इस लाइन का सेंटर करेंगे वहां से हाफ इंच अंदर जाएंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और आप डायरेक्ट भी राउंड दे सकते हैं एंड इस शेपर का भी यूज कर सकते हैं ये फ्रंट के लिए था और ये बैक के लिए है इस तरीके से और नेक लाइन बनेगी हमारी आप अपने अकॉर्डिंग सिक्स या फ़ाइव या सेवन जिस भी अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं वो शेप ले सकते हैं अंग रखा के लिए मोस्टली वी शेप आता है ताकि वो हमारी जो अंग रखा के लिए शेप आनी है वो बहुत अच्छे तरीके से आ सके मोस्टली यही जाती है फिर यही कर आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाता है तो हमने जो फुल लेंथ ली थी वो थर्टी एट ली थी नीचे भी हम सेम ही लेंगे और फिर इनको मैच कर देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके अलावा आप जो एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं फुल लेंथ है थर्टी एट राउंड बस्ट नाइन पॉइंट फाइव राउंड वेस्ट एट पॉइंट फाइव राउंड है 10.5 ये यह है हमारी साइड सीम ये है हमारा शोल्डर पॉइंट ये है हमारी नेक लाइन और ये है आर्म होल ठीक है और हमारा वही आप ध्यान रखेंगे ओन फोल्ड एंड ग्रेन लाइन का ये मस्ट है इसका निशान लगाना ज़रूरी होता है तो ये हमारी हो गई प्लेन कुर्ती की पैटर्न मेकिंग अब हम क्या करेंगे अब हमने एक और पैटर्न सेम ही वही वाला ले लिया है जो मैंने प्लेन कुर्ती की पैटर्न मेकिंग आपको सिखाई थी ये वही वाला पैटर्न है इसमें मैंने एक्स्ट्रा मेजरमेंट भी लिया हुआ है अब हम क्या करेंगे हमें अंगरखा कैसे बनाना है वही सेम मेथड से बनाएंगे जो हमने मैंने वीडियो में बताया था आपको क्या करना है ओन फोर साइड से फाइव फाइव इंच इधर मार्क करेंगे फाइव फाइव इंच मार्क करेंगे देन उसको स्ट्रेट लाइन के साथ मैच कर देंगे ये हमारा स्ट्रेट अंगरखा है जो अप टू डाउन तक जाता है आपकी मर्जी है कि आप पूरा लॉन्ग अंगरखा बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ वेस्ट लाइन तक बनाना चाहते हैं अब हमें क्या करना है अब हमें ये वाला नेक लाइन का कर्व देना है जैसे ये नेक लाइन जा रही है सेम ही नेक लाइन हमारी उस साइड से भी जाएगी तो हम क्या करेंगे इसको जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आप थ्री इंच टू इंच अपने अकॉर्डिंग या अंग रखा में भी कोई स्पेशल ऐसा डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं तो वो आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं तो हमने ये शेप इसमें दे दिया उसी नेक के साथ तो ये हमारा अंगरखा बन गया मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ ये देखिए ये शेप हमारा ऐसे आएगा नेक लाइन का और यह शेप हमारा एज इट इज ऐसे चला जाएगा और यह वाला डिजाइन आपके ऊपर है और इस तरीके से अगर आप वेस्ट लाइन तक भी लेना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से यह आपका आ जाएगा ये वाला पैटर्न यह हमारा वेस्ट लाइन तक का अंगरखा स्टाइल है और फुल लेना चाहते हैं आप तो ये वाला है हमें जो ओन फोल्ड से ये गैप रखना है वो सिर्फ फाइव इंच रखना है या उससे कम रख सकते हैं आप फोर इंच रख सकते हैं लेकिन फाइव इंच से एक्स्ट्रा नहीं लेंगे अगर फाइव इंच से एक्स्ट्रा लेंगे तो वो हमारा और पीछे चला जाएगा और हमारा अंगरखा स्टाइल का लुक बिगड़ जाएगा इसीलिए हमें फाइव इंच से एक्स्ट्रा नहीं लेना है आप इसको फोर इंच इतना भी ले सकते हैं इतना भी ले सकते हैं फोर इंच फोर पॉइंट इंच भी ले सकते हैं आप यहाँ पर तो इसी तरीके से वेस्ट लाइन तक लेना है तो आपको यहीं तक ही इसको इस पैटर्न को कट करना है अगर आप फुल लेना चाहते हैं तो कंप्लीट फुल को कट करेंगे अब मैं आपको कंप्लीट फुल को कट कर कर दिखाऊंगी सो so, देखिए मैंने ये अंगरखा की कटिंग कर दी है यही फाइव पॉइंट लेकर फाइव इंचेस लेकर जो हमने सेब शेप बनाई थी उसी को मैंने कट किया है और मैंने इसे प्लेन कुर्ती पर ऐसे रख दिया है सेम ही आपको अपनी कुर्ती के साथ करना है देखिए शोल्डर के साथ शोल्डर में लाया ये हमारा फर्स्ट आर्म होल है इसमें हमारे आ, बैक एंड फ्रंट दोनों आ, मेंशन है इसीलिए आपको ये नज़र आ रहा है अगर हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये भी फ्रंट का बन जाएगा ये मैंने इसीलिए कटिंग नहीं किया ताकि आपको ये समझ में आ सके कि बैक का पैटर्न हमें सेम बनाना है इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करके नहीं दिखाया और बैक नेक भी इसमें बैक का ही है आपको सेम ही आ, बैक का बनेगा और फ्रंट का बनेगा देन आपको एक और पैन एक और आ, मे, पैटर्न मेकिंग करनी है फ्रंट के लिए देन उस पर आप एंग रखा की मार्किंग करेंगे और फिर इस तरीके से उसको कट करेंगे फिर अपनी उसी प्लेन कुर्ती की पैटर्न मेकिंग के ऊपर ऐसे करके अप्लाई कर देंगे सेम ही आपका कपड़े पर होगा तो ये जो फ्लैप होगा ये फ्लैप अलग से ही लगेगा और फिर इस फ्लैप को आप अच्छे से जो भी नेक पर कॉर्नर्स पर डिज़ाइन देना चाहते हैं या डोरी लगाना चाहते हैं बटन्स लगाना चाहते हैं आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं डोरी अगर आप लगाएंगे तो आपकी यहाँ पर और यहाँ पर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक वो दोनों ही डोरी दो अलग अलग सीम लगाते टाइम सिलाई लगाते टाइम इसको फिनिशिंग करते टाइम अंदर ही सेट करनी है अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर काज करवा कर यहाँ पर बटन फिक्स कर सकते हैं और अगर आप डोरी से भी बचना चाहते हैं और बटन से भी बचना चाहते हैं तो आप मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल कि आप क्या कर सकते हैं आप नेक लाइन को फिनिश करने के बाद इतने पोर्शन में या इतने पोर्शन में इसके ऊपर ही सीम लगा सकते हैं जैसे अगर आपने कोई नेक लाइन को फिनिश करने के लिए इस लाइन को फिनिश करने के लिए कोई भी लेस का यूज़ किया तो आप वो लेस लगाने के बाद आपको बटन या डोरी की नीड नहीं होती है बट इसको रोकने के लिए इसको इसके ऊपर सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा वो लेस लगाने के बाद आपको इतने पोर्शन में या फिर इतने पोर्शन में आप जितना भी उसको स्टॉप करना चाहते हैं इसके ऊपर ऊपर फिनिश लगाकर इसको परमानेंट फिक्स कर सकते हैं ताकि ये इतना पोर्शन आपका हिलेगा नहीं ये आपका ओपन रहेगा आपका अंग ये भी ओपन रहेगा और आपका अंगरखा का डिज़ाइन भी बन जाएगा एक न्यू स्टाइल भी बन जाएगा आई होप आपको ये सारी नॉलेज सारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें अपनी नॉलेज बढ़ाएं और उनकी भी नॉलेज बढ़ाएं और अगर आप किसी भी टॉपिक पर आ, स्पेशल मुझसे कोई पैटर्न मेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपके बताए हुए टॉपिक पर पैटर्न मेकिंग की क्लास बना दूँगी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक